इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में सीरीज को आगाज 12 जुलाई से होने वाला है और 12 जुलाई ने सबसे पहले एक टेस्ट मैच खेल जाओगे। जो टेस्ट मैच 12 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में खेल जाओगे, तो इसके लिए अभी टीम इंडिया की घोषणा भी हो चुकी है। तो आज के वीडियो में आप बात कर सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए पहले मैच में प्ले 11 की हो चुके हैं। अगर बात करें मैच के बारे में तो यो मैच वेस्ट इंडीज में होने वाला है और टीम इंडिया आपके साथ में टेस्ट मैच के लिए नए खिलाड़ियों ने भी मौका दिए, तो देखना होगा कि इन खिलाड़ियों ने डेब्यू करने को मौका मिलेगा या फिर कुछ मिले। टीम इंडिया के ओपनिंग कॉम्बिनेशन बात करा तो ओपनिंग में फिर से शुरुआत देने के लिए रोहित शर्मा और शुभम गिल फिर से एक बार तैयार हैं। और नंबर तीन की बात करा तो नंबर तीन पर टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा टीम ने शुरुआत दे तो, लेकिन अभी पुजारा ने टेस्ट टीम से बाहर कर दिए हुए हैं। तो देखने पर सी की नए खिलाड़ी में से ऋतुराज गायकवाड़ या फिर यशस्वी जायसवाल में से किन तीन नंबर पर मौको दिए जाओगे। और चार नंबर पर साला से विराट कोहली अपनी बैटिंग दिखावे हैं और पांच नंबर पर अजिंक्य रहाणे और छह नंबर पर विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन या फिर केएस भरत आस गए। और अगर बॉलिंग कॉम्बिनेशन के बारे में बात करा तो टीम इंडिया एक स्पिनर के साथ में चार फास्ट क्लास के हैं, तो ये चार फास्टर मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं। और अगर स्पिनर की बात करें तो स्पिनर के रूप में अश्विन और रविंद्र जडेजा में से एक ने क्लास के हैं, या फिर हो सका है कि तीन फास्टर के साथ में दो स्पिनर भी उतार सका है टीम इंडिया। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज आसानी से जीत जाएगी क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम हाल ही में बहुत ही कमजोर चल रही है। वेस्ट इंडीज की टीम इतनी कमजोर है कि यह टीम वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। और इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज में वेस्ट इंडीज की टीम में बहुत सा नया खिलाड़ी खेलेगा क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकी, इसलिए पुराने खिलाड़ी ने सबने आराम दे रखे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो चोखा लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल ने भी सब्सक्राइब करियो।